धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सबसे पहले कि वो रोज हमें संभालते हैं, रोज हमें चलाते हैं। प्रभु की दया के कारण हम सब फिर से आपके रूबरू हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं ऐसे आराधकों को वो ढूंढता है। आज का जो विषय है आप जानते हैं कि पे फॉर इंडिया, पूरे भारत के लिए प्रार्थना आज का जो विषय है, और हम आराधना करके साथ में प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज इस दुनिया में क्या हालात है। पर बाइबल में लिखा है कि धरती पर अगर किसी की चीज के लिए दो जन अगर मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो चीज उनके लिए होगी। ये प्रभु का वादे है, प्रभु के वचन है। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे भारत के लिए, आराधना में जाएंगे। उससे पहले जितने भी हम देख रहे हैं और सब प्रभु के आगे जाए, उसे बोले प्रभु हमें ताकत दे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके निकट हम आते हैं यीशु से, हमें ताकत दे पिता, हम रूह और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। हमारे गीत, हमारे टैलेंट कुछ भी नहीं है, वो में सामर्थ्य दे ताकि हम तुझे देखते हुए आराधना कर सकें। हम जब आराधना करें पिता तो हम महसूस करें कि तू असल में मौजूद है। हमें ताकत दे, इतने देखने वाले सबको तेरे हाथों में देते, अपने आप को भी, साजों को, अपनी आवाज को प्रभु तेरे हाथों में देते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
I'm not.
Oh,
करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने भी बार है चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जब वो मौजूद होता है बंधन टूट जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं जब उसकी मौजूदगी होती है। आज वो आपसे कहता है, ये गीत नहीं उसकी आवाज है, थैंक यू होली स्पिरिट। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाए, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसको देखे थोड़ी देर, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। ये सच्ची बात है, क्या दो या तीन उस नाम में इकट्ठे होते हैं, वो आता है, उसका वादा है। थैंक यू लॉर्ड, वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं ना बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है।
हालातों से डर, पूरा विश्वास कर वो वफादार है। खुदा रख तू सबर, खुदा रख तू सबर, जितने कमजोर है नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है उसकी महिमा करो कहे तो
Thank you.
भाई हम थोड़ी देर रातों में जाएंगे, उसके प्रेम को याद करेंगे, याद करें कैसे वो हमारे लिए लहू का कतरा कतरा बहा गया। ओ थैंक यू मास्टर, बहुत जीसस थैंक यू, बहुत तेरी स्तुति करता हूं, तेरे निकटता मांगती हूं। सच में प्रभु आपने हमारे लिए जान दी, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति ये आसमान ये जमीन सब तेरे हुक्म से बने हैं, जितने भी इंसान हाथों से तेरे रचे हैं, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। आइए हम आखिरी समय में पहुंच गए हैं, आराधना की, जैसा आप सब जानते हैं कि आज की आराधना का जो विषय आपके जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरा वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना, तेरा वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, जैसे सब लोग जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग भूख से तड़प रहे हैं प्रभु, इस दुनिया में इस समय दुख है परमेश्वर, पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस देश को स्मरण कर अपने स्वर्ग राज में समय, प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू दया कर तरस कर रहम कर, हम बात के लिए प्रार्थना करते फिर से प्रभु तेरा राज्य बहाल हो, फिर से लोग आराधना करने पाए पिताजी, हर घुटना के लगे झुके पिता, हर जुबान इकरार करे कि तू सच्चा परमेश्वर प्रभु, फिर से सारे रास्ते यीशु के नाम से खोल दे, तर्स कर रहम कर, आने वाले दिनों में प्रभु ये सारी चीजें कर पहुंचे, तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, तुम्हारी प्रार्थना को कान झुका के सुनते, तेरे नाम को हम सारा आदर देते, आज इतने लोग भी हमारे साथ जुड़े प्रभु, सब लोगों को तू आशीष देते, तेरे नाम को सारा आदर देते, धन्यवाद पिता मेरी प्रार्थना को सुनने के, इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब कुछ है मसीह।